सो अगेन वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग गाइज, मैं हूँ वीके तिवारी और आप देख रहे हैं विजेता का ज्ञान। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी इस समय हम हैं सुहागी में और ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये है रीवा प्रयागराज मार्ग और आप सामने देख सकते हैं सामने लिखा है घाट प्रारंभ। तो इसके आगे सुहागी का पहाड़ पड़ेगा जो कि काफ़ी खूबसूरत काफ़ी शानदार उसका ओवरव्यू निकल के आता है। और इस साइड आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी या और जो बाकी वाहन वगैरह आ रहे हैं तो ये सब रीवा साइड से या फिर मनिगवा साइड से आ रहे हैं। मतलब तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये खूबसूरत सा जो हाईवे है ये है नेशनल हाईवे 30 और हम इस समय हैं सुहागी में। सुहागी जो है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, रीवा प्रयागराज मार्ग में पड़ता है और यहाँ पे बसा हुआ है एक सुहागी गांव जिसके कारण इसे सुहागी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस गाँव पहाड़ के नीचे जो कि गाँव बसा हुआ है और काफ़ी खतरनाक पहाड़ ये अपने बिंध का माना जाता है सुहागी। आए दिन यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सीडेंटल केस देखने को मिलते हैं लापरवाही की वजह से। सड़क वगैरह तो पहले से बहुत ज़्यादा सही हो गई जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे हम चलेंगे, आगे मिलेगा हनुमान जी महाराज का भव्य मंदिर तो आपको करवाएंगे दर्शन और दिखाएंगे इस खूबसूरत से घाट का खूबसूरत नज़ारा। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से पहाड़ों को काट के और इसके बीच से रोड निकाला गया है और इस साइड आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार ओवरव्यू निकल गया था। सामने आप देख सकते हैं ये दुकानें लगी हुई हैं क्योंकि ऊपर जो है वहाँ पे हनुमान जी महाराज का मंदिर है। तो अब चलते हैं, आपको लेके चलते हैं और करवाते हैं हनुमान जी महाराज के दर्शन। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि यहाँ से जो भी निकलते हैं तो दर्शन करके ही जाते हैं जिससे उनकी जो ये यात्रा है वो मंगलमय होती है। तो आइए चलते हैं और लेके चलते हैं आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन करवाते हैं। ये कुल मिला के इस तरह का ओवरव्यू निकल के आता है सुहागी पहाड़ का जैसा कि आप देख सकते हैं। एक ज़माने में यहाँ की जो रोडें थी ये काफ़ी जर्जर थी और प्रशासन की भी तरफ से कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा था जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। अभी आपने कुछ टाइम पहले ही सुना होगा कि एक बस जो है तो यहाँ पर पलट गई थी और काफ़ी दुखद यहाँ पर एक घटना हो गई थी। तो यहाँ पर जब भी आप चलें तो काफ़ी सावधानीपूर्वक चलें क्योंकि ये जो मार्ग है बहुत ही खतरनाक ये अपने बिंद का माना जाता है। बिंद में वैसे बहुत सारी घाटियां हैं जैसे कि ये सुहागी का घाट हो गया, भरदहा घाटी, चुहिया घाटी, मोहनिया घाटी। तो जो हमारा बिंद है वो पर्वतों पहाड़ों और झरनों से बिल्कुल घिरा हुआ है। तो अब चलते हैं हम, आप देख सकते हैं वहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं और ये सीढ़ी के माध्यम से हम चलते हैं ऊपर और वहाँ पर आपको लेके चलते हैं मंदिर में करवाते हैं दर्शन। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भैया लोग प्रसाद की दुकानें हैं और जय बाबा अड़गढ़ नंद धाम सुहागी भोलेनाथ का की प्रतिमा रखी हुई है यहाँ पे शिवलिंग और ये सीढ़ी है। तो अब इसी के माध्यम से चलते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं मंदिर के पास। काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं सुहागी पहाड़ के ऊपर ही और ये सामने है हनुमान जी महाराज का मंदिर। तो आइए चलते हैं, करते हैं दर्शन और फिर अपने सफ़र को करेंगे कंटिन्यू। वहाँ से हम लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं नीचे से।
यात्रा होती है बहुत रूपा से लोग। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे बंदर मस्ती करते हुए आपस में, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे बंदर भी काफ़ी संख्या में, और जो यहाँ का प्रांगण है, यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं। सामने भी बजरंगबली महाराज जी का मंदिर है, और यहाँ पे हमने अभी दर्शन किया है हनुमान जी महाराज का। और चलते हैं हम अपने सफ़र को, करते हैं कंटिन्यू। तो गाइस फाइनली हमने दर्शन कर लिया है, अब हम चल रहे हैं फिर से अपने सफ़र की ओर। तो कुछ इस तरह से ओवरव्यू फिर से निकल के आता हुआ आपके सामने सुहागी पहाड़ का। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों के लुत्फ़ उठाते रहिए। गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।